बिहार में जहां अपराध के मामले हर दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसी माहौल के बीच बिहार का ही गोपालगंज जिला एक नए तरह की मिसाल पेश कर रहा है। गोपालगंज जिले में हालात सुधर रहे हैं और अपराध में भी बड़ी गिरावट आई है। गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने ग्राफ के जरिए अलग अलग घटनाओं के कमी आने का ब्यौरा दिया है। एसपी ने बताया कि पिछले एक साल में हत्या की वारदात में काफी कमी आई है। हत्या के मामले में पिछले साल अगस्त 22 से इस वर्ष 5 अगस्त की तुलना में 50% कमी आई है। वहीं लूट में 15% की कमी होने के साथ हथियार और गोली बरामद में 110% की वृद्धि हुई है। गोपालगंज पुलिस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में जनवरी से अगस्त तक 53 हत्याएं हुई थी, जबकि वर्ष 2023 में जनवरी से 5 अगस्त तक 26 हत्याएं दर्ज की गई हैं। गोपालगंज में हत्या के अलावा अन्य आपराधिक वारदातों में भी काफी कमी आई है। गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि अब जेल में बंद इन अपराधियों पर स्पीडी ट्रायल चलाने की अनुशंसा की गई है और त्वरित गति से सजा दिलाने की कार्रवाई चल रही है। पब्लिक में गोपालगंज पुलिस की इमेज सही करने और पब्लिक से सीधा संवाद रखने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार का पहला जिला गोपालगंज है जहां एसपी स्वर्ण प्रभात लोगों से सीधे जुड़ रहे हैं। फेसबुक, गूगल मीट, सोशल मीडिया से संपर्क किया जा रहा है, जिससे लोगों की समस्या का निदान हो रहा है और लोग अपनी बातों को पुलिस के सामने रख रहे हैं, उनको न्याय भी मिल रहा है। एसपी ने कहा कि लोगों में गोपालगंज पुलिस के प्रति विश्वास भी जगा है। पुलिस की इस पहल की गोपालगंज के लोगों ने सराहना की है। विदेश में बैठे लोग भी एसपी से सीधा संवाद कर अपनी समस्याओं को रख पा रहे हैं। थानों में उनकी समस्याओं का त्वरित गति से निष्पादन भी हो रहा है। बता दें कि गोपालगंज जिला पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, छपरा और सिवान से सटा है। यहां अपराध करके दूसरे राज्य या अन्य जिलों में छिप जाना आम बात है, लेकिन मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद अपराध में गिरावट कहीं न कहीं एसपी के प्रयास का नतीजा है। गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात की बात करें तो 2017 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वे मूल रूप से भोजपुर के रहने वाले हैं। स्वर्ण प्रभात भोजपुर के तरारी प्रखंड के मुआब कला के कौशलेश कुमार सिन्हा और ललिता देवी के पुत्र हैं। यूपीएससी के पहले वो आईआईटीएन थे। स्वर्ण प्रभात ने आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया है। आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वर्ण प्रभात ने माइक्रो सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब पकड़ ली। अच्छे पैकेज पर 2 साल नौकरी करने के बाद स्वर्ण प्रभात ने नौकरी छोड़ दी और यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। पहले प्रयास में सफलता नहीं मिली, इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और पूरे मन के साथ तैयारी में जुटे रहे। उन्होंने दूसरे प्रयास में यूपीएससी क्लियर करते हुए 105वां रैंक हासिल किया। वह बतौर एसपी भागलपुर और पटना में भी काम कर चुके हैं।